सीपीआई मुरादाबाद की जिला काउंसिल की विस्तारित मीटिंग अंबेडकर पार्क के कामरेड एस एन सिंह की अध्यक्षता में हुई। सर्वप्रथम जिला मंत्री कार्यालय नेम सिंह ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि मौजूदा दौर में गत राजनीतिक विविधकारी भूमिकाओं के संदर्भ में जो स्वार्थ से भरी थी, देश की राजनीति वातावरण को पूरी तरह से गंदा कर रही है। व्यक्ति विशेष के बल पर सत्ता हासिल करना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि हर पार्टी बनने से पहले सत्ता पक्षी बनने में लगी होती है। देश का राजनीति माहौल आर्थिक बिंदु पर केंद्रित हो चुका है, जो राजनीति के कणधार विद्यार्थी संगठन एवं ट्रेड यूनियन होती थी, आज पूरी तरह वेतन भत्ता व आर्थिक लाभ तक सीमित है। सभा अध्यक्ष कार्यालय एन एस सिंह ने कहा कि ट्रेड यूनियन समाजवाद की पाठशाला कही जाती है। समय आ गया है कि ट्रेड यूनियनों को आर्थिक मुद्दों से ऊपर उठकर जनहित की लड़ाई भी लड़े। कार्यालय अभय गुप्ता बैंक कर्मचारी नेता ने कहा कि इस समय सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है, निजी क्षेत्र के बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया जाए। अजय कुमार यादव ने कहा कि सहकारिता न केवल किसानों की रीढ़ है अपितु पूरे देश के लिए कृषि को बचाने का संकल्प भी है। सभा में श्रीमती भूरी बेगम, श्रीमती आमोद कुमारी, शांति देवी, मुन्नी बेगम, सहनाज परवीन, सीताराम, धर्मवीर, समजाद हुसैन, मास्टर इस्साद, नईम हुसैन आदि लोग उपस्थित रहे। आगे शासन में आने के बाद में अपराधियों के ऊपर अंकुश लगेगा, लगातार हत्याएं हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, क्या ये मामला है? ये कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं है और थाने में शिकायती के खिलाफ कार्रवाई होती है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है, लगातार भ्रष्टाचार और बेईमानी बढ़ती चली जा रही है। इन मुद्दों पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ये प्रस्ताव पास किया है और लगातार हम इस पर जो है संघर्ष करें। चाहता हूँ ये उनकी ये राजनीति ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। प्रिय बंधुओं, आज जिस तरह से मंदिर और मस्जिद का काट फेंका गया है, शायद ही हमारे हिंदू भाई, शायद ही हमारे मुस्लिम भाई इस बात को गवारा नहीं कर रहे हैं। ये बीजेपी की पार्टी और तमाम इनके सहयोगी दल जिस तरह से महंगाई को लेकर के, महंगाई के मुद्दे पर हम सब लोगों के बीच आए थे और वोट मांगे थे, आज देख लीजिए महंगाई उससे दुगनी हो गई है। क्यों दोस्तों? और उन्होंने इस महंगाई के मुद्दे को तो पीछे कर दिया है और बाबरी मस्जिद की और मंदिर की मात लेकर के हम सबको लड़ाने की कोशिश कर दी है, ताकि ये लोग महंगाई को भूल जाएं और मुद्दों को भूल जाएं। फिर ये साथियों, मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने प्रिय नेता श्री नेम सिंह जी को, जो इन मुद्दों को लेकर के हमारे बीच है। मैं सदा उनके साथ था और अब भी उनके साथ हूँ और हम तमाम ही साथी उनके शाना बशाना, उनके कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कॉमरेड नेम सिंह है, मैं मुरादाबाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला मंत्री। किस चीज़ को लेकर आज आपने बैठक की है? आज हमने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला काउंसिल की मीटिंग इस बात को लेकर की है कि समाज को बांटने का जिस तरीके से आह्वान किया जा रहा है और दूसरी तरफ जनहित में घोषणाएं की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, तो हम चाहेंगे कि उन घोषणाओं का विधिवत रूप से उसको लागू किया जाए। आज ही जैसे घोषणा की गई है कि जो प्राइवेट शिक्षा है उसके ऊपर बहुत अनाप शनाप खर्चा होता है, इस पर अंकुश लगाया जाएगा, तो हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि शिक्षा को ऐसा बनाया जाए कि जो गरीब से गरीब बच्चा भी उसको पढ़ सके और प्राइवेट शिक्षा संस्थानों जो लूट खसोट कर रखी है उसके ऊपर जो कानून बनने जा रहा है उसको पुरजोर ढंग से लागू किया जाए। प्रयास ये किया जाता है कि अच्छी नीतियाँ घोषणाएँ में की जाती हैं लेकिन उनको दबा दिया जाता है भावनाओं के नाम पर, भावनाओं को उभारा जाता है, मुद्दे मंदिर और मस्जिद के उठाए जाते हैं, धर्म और जाति के उठाए जाते हैं, तो जनहित के अंदर उन मुद्दों को लागू किया जाए जिनकी घोषणाएं की जाती हैं। आज किसी भी छोटी से छोटी जाति में
बड़े से बड़े पैसे वाला होगा और बड़ी से बड़ी जाति में गरीब से गरीब होगा, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी किसी जाति की बात नहीं करेगी। तो आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि योगी जी की, मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है, प्रशासन उसको पूरे तरीके से लागू कराए और यहाँ जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उस पर अंकुश लगाया जाए। तो अभी तक कानून व्यवस्था सही नहीं चल रही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं चल रही है। लगातार अपराध हो रहे हैं, लगातार महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और अपराधी कितनी ही बड़ी अप्रोच का आदमी क्यों न हो, उसके खिलाफ कोई मतलब जो है कसर न छोड़ी जाए, पूरे तरीके से उसको जो लागू किया जाए और जो घोषणाएं हैं जनहित की उनको ईमानदारी के साथ में लागू किया जाए।